तालियों के साथ राष्ट्रलक में पटना की जनता का स्वागत, जहां स्वागत आपका भी बिहार की धरती पर, मगध की धरती पर, सम्राट अशोक, गौतम बुद्ध और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पर। ऐसी यह धरती है जो अपने हिस्से का आसमान तलाशने के लिए इस वक्त भी उतनी ही बेताब दिखाई देती है जो सदियों से रही है। और इसीलिए आप देखते हैं देश भर में इसी बिहार से लोग पहुंचते हैं और नाम रोशन करते हैं। लेकिन बिहार क्या उस ऊंचाई को छू पाया है? क्या इस चुनावों के जरिए हवा का रुख आप और हम समझ पाएंगे? इसी पर हम करेंगे चर्चा। लेकिन आपको यह भी याद दिला दें कि हमने अहमदाबाद से चुनाव आज तक स्टूडियो की शुरुआत की थी, 3170 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए हम उदयपुर, अजमेर, जयपुर, उसके बाद से लखनऊ, अमेठी, रायबरेली, फैजाबाद, अयोध्या यानी, और उसके बाद अब पहुंचे हैं पटना। आगे हम बेगूसराय भी जाएंगे, दरभंगा भी जाएंगे, आज हाजीपुर भी जाएंगे, उसके बाद तो हम जा रहे हैं पश्चिम बंगाल भी, मध्य प्रदेश भी। लेकिन आज हमारा कारवां पहुंचा है बिहार की धरती में 3170 किलोमीटर की दूरी को तय करके। लेकिन इससे पहले कि हम ये बहस की शुरुआत करें, आपका परिचय उन खास मेहमानों से कराएं जो हमारे साथ मंच पर है, क्योंकि उन्हीं में से एक चेहरा आपको इस फेस ऑफ में भी दिखेगा। आइए आपको बताते हैं, इसी बिहार की धरती पर कटिहार में आखिर सिद्धू ने ऐसा क्या कह दिया कि चुनाव आयोग ने उस पर रिपोर्ट तलब कर दी है। दूसरी तरफ अजय आलोक जेडीयू की तरफ से क्या जवाब दे रहे हैं, सुनिए फिर चर्चा की शुरुआत। ये बांट रहे हैं आपको मुस्लिम भाइयों, ये यहां पे ओवैसी साहब जैसे लोगों को लाके एक नई पार्टी साथ में खड़ी करके आप लोगों की वोटें बांट के ये जीतना चाहते हैं। अगर तुम लोग इकट्ठे हुए, 64% आपकी आबादी है, माइनॉरिटी मेजॉरिटी में है यहां पे, यदि तुम इकट्ठे हुए और इकट्ठे होके एकजुट होके वोट डाला तो सब उलट जाएंगे, मोदी सुलट जाएगा, छक्का लग जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू तो लगता है इमरान खान से ट्रेनिंग लेके आए। योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं कि अगर उनके साथ अली है तो हमारे साथ बजरंग बली है, तो चुनाव आयोग उन्हें बैन कर देता है क्योंकि ये कम्युनल है। जरा सोचिए, अगर इसी तरह लोग देश के सारे हिंदुओं को एक होना कह दें तो ये सो कॉल्ड सेकुलरिज्म जाएंगे कहाँ? चुनाव आयोग को गंभीरता से देखना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू को बैन करना चाहिए और मुसलमानों को उनको करारा जवाब देना चाहिए, क्योंकि जीवन भर मुसलमानों के लिए को कुछ किया नहीं, मुसलमानों को अपने पॉकेट का वोट मानते हैं। थप्पड़ पड़ेगा इन्हें मुसलमानों से ही, तब अकल आएगी इनको। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं, मंच पर स्वागत करते हैं अजय आलोक, जेडीयू का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मंच पर मौजूद है शक्ति यादव आरजेडी की तरफ से, नितिन नवीन बीजेपी के विधायक और राजेश राठौर प्रवक्ता बिहार कांग्रेस के। तालियों के साथ स्वागत कीजिए। आज सवालों की बौछार करेंगे और सबसे पहला सवाल मिस्टर राजेश राठौर आपसे है, सिद्धू साहब किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? मजहब के अलावा अब आपके पास कोई चारा बचा नहीं है क्या? क्या कहने की जरूरत है? आपको पता नहीं है कि इसी वजह से मायावती पर 48 घंटे का प्रतिबंध लगा है, बैन लगा है चुनाव आयोग की तरफ से? कभी कांग्रेस पार्टी मजहब के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी मंदिर के नाम पे चुनाव नहीं लड़ा है, कांग्रेस पार्टी कभी मस्जिद के नाम सुने या भाषण देने आए? सिद्धू का पूरा देश सुना है, सिद्धू को सुने, पूरा देश सुना है सिद्धू को। अगर सुने हैं तो क्यों ऐसा बोल रहे हैं वो? वो तो सिद्धू जी जवाब देंगे, लेकिन सिद्धू जी आपके नेता हैं, मंत्री हैं पंजाब सरकार में, वोटों का बंटवारा न हो इसका अपील किए हुए और राष्ट्र के नाम पे वोट करे इसका अपील किए हैं। मतलब जो उन्होंने वहां पर किया वही आज आप यहां पे करने की कोशिश कर रहे हैं। मस्जिद के नाम पे वोट न हो इसका अपील सिद्धू जी ने किया है। अरे 72 घंटे का बैन लगा योगी आदित्यनाथ पर, मायावती पर 48 घंटे का, अब सिद्धू भी उसी राह चल पड़े। आपको सवाल समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? पूरी तरह सवाल गलत है ना उनका ऐसा बोलना? पूरी तरह समझ गलत में गलत है या नहीं है? पूरी तरह सवाल समझ में आ गलत रहा है या नहीं है? सिद्धू जी ने कहा है कि वोटों का बंटवारा नहीं हो, किसके वोटों का, धर्म के वोटों का, धर्म के नाम पे वोट नहीं हो, फिर रिकॉर्ड किस गया, कौम के नाम पे वोट नहीं हो, किसके वोटों का, किसके धर्म के नाम पे वोटों का बंटवारा, आवाम किस मजहब का, आवाम के, आवाम में वोटों का बंटवारा नहीं हो, नेताजी है नेतागिरी कैसे नहीं कीजिएगा, आवाम के वोटों का बंटवारा नहीं हो, नेता है आप नेतागिरी कैसे नहीं कीजिएगा। मिस्टर अजय आलोक, सवाल यह है कि आप भी तो बैगेज लेकर घूम रहे हैं जिसका नाम है योगी आदित्यनाथ, अली, बजरंग बली, फिर आप किस मुंह से बोलिएगा? देखिए हमारा बहुत स्पष्ट मानना है कि इस देश के मुसलमानों को छोड़ के आप भारत की तरक्की नहीं कर सकते हैं, अब बिहार में ही मुसलमानों को छोड़ के आप बिहार की तरक्की नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं किसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके ये नहीं कहूंगा कि 64% मुसलमान हैं, सब मिलके एक जगह वोट कर दो,
क्योंकि अगर इसका रिएक्शन ये होगा कि बाकी देश में बाकी लोग घूम घूम के कहने लगे 80% हिंदू है, जिस तरह इन्होंने कहा था कि सबको उलट दो मोदी सुलट जाएगा, अगर बाकी लोग घूम घूम के ये कहने लगे कि 80% एक जगह वोट कर दो 20% सुलट जाएंगे तो देश चलेगा क्या? जवाब दीजिए शक्ति यादव जी। और सिद्धू जी पे भी दो लाइन बोलिएगा, मुझे मैंने सुना है आपकी पार्टी के नेता बोलने से बच रहे हैं उनपे। बोलने का सवाल रंजना जी, एक बात स्पष्ट तौर पर हमारा मत साफ है, हम तो मुद्दा आधारित बात करते हैं, हम धार्मिक उन्माद और छद्म राष्ट्रवाद की बात हम नहीं करते। सिद्धू जी क्या कर रहे थे? हमने सिद्धू जी ने जो बातें कही, एका की बात कही, डिवीजन रोकने की बात कर कही है, धार्मिक उन्माद की बात धर्म के आधार पर कहा है अंजना जी, धर्म मुस्लिम के भाईयों धर्म के आधार पर कोई भी अगर कहता है मैं मोदी को रोक सकते हो, किसी भी कीमत पर ऐसे चीजों का समर्थन नहीं करता जो धर्म आधारित बात कोई करता है। अगर कोई बजरंग बली और अली की बात करता मैं उसकी मुखालफत करता हूँ, ये राज सभी का है, यहाँ मुद्दों की बात होना चाहिए, भावनाओं से भड़का करके देश नहीं, देश में सारे मुद्दे हैं, गरीबी की गुर्बत की, जो शिक्षा से चिकित्सा से रोजी से रोजगार से वंचित है उनकी एम्पावरमेंट की सवाल खड़े होने चाहिए। मैंने तो कहा, मैंने पहुँचवा दिया आपके माध्यम से, पहुँचा दिया अंजना जी के माध्यम से, पहुंचा दिया ना, अरे आपके माध्यम डायरेक्ट बात नहीं हो रही है, यू आर सशक्त माध्यम, आपसे बेटर सशक्त माध्यम कोई हो नहीं सकता। ठीक है नवीन जी, नहीं नहीं पहले सवाल तो सुन लीजिए प्रभु, ऐसा थोड़ी माइक उठाइए। हाँ योगी जी पे सबसे ज्यादा 3 दिन वाला बैन आपके योगी आदित्यनाथ जी पे लगा है, तो उन्होंने नाक घुमाकर बजरंग बली को पकड़ ही लिया, मंदिर पहुंच गए। देखिए बड़ा स्पष्ट है, योगी जी धार्मिक रूप से हमेशा पूजा पाठ में लगे रहते हैं, तो उनके मंदिर पहुंचने से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और उन्होंने किस बयान को दिया था, कहा था कि अगर किसी के साथ अली है तो मेरे साथ बजरंग बली है, इस बयान को इलेक्शन कमीशन ने जिस रूप से भी नोटिस में लिया, लेकिन अगर हम अपने धर्म के भगवान के इष्ट देवता से अगर अपना आशीर्वाद मांगते हैं तो इष्ट देवता से आशीर्वाद मांगना, भगवान से आशीर्वाद मांगना किसी भी नियम के तहत गलत नहीं है, मैं ये मानता हूं। और योगी जी ने आशीर्वाद के रूप में कहा था कि मेरे साथ बजरंग बली का आशीवाद है, मैं निश्चित रूप से यूपी की जनता का विकास कर रहा हूं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र निश्चित रूप से विधायक बना हूं तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए, 39 साल उम्र है। 40 की है ना, अब इतने तो आप मासूम भी नहीं हो सकते हैं सर। नहीं नहीं मासूम, मैंने इसीलिए बोला कि चलिए हम पत्रकार तो आपका पढ़ लेंगे उम्र क्या है, देश को भी पता चले, इतनी मासूमियत मत रखिए। अंजना जी कल बैन लगा, आज वो बजरंग बली की पूजा करने जा रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे, अगर धार्मिक जा रहे हैं और वो धार्मिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, मैं ये मानता हूं कि अगर वो पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, और एक धार्मिक रूप से भारत में हिंदू राज्य में हमको पूजा करने पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मेरा सवाल बीजेपी से है, मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड ला दिया और आपने करप्शन को लेजिटिमाइज कर दिया, उसके बाद आप कॉरपोरेट को जो है वो लोन माफी पे माफी किए जा रहे हैं, आपका रफाल पे डेली कुछ ना कुछ खुलासा हो रहा है, अब तो आप खुद भी खा रहे हो और दूसरों को भी खिला रहे हो। मैं आप जान रहा हूँ, आप राहुल जी की बयान बोल रहे हैं, उनकी बातें राहुल जी का बोली आपको बोलने, आपने कभी ये कहीं सवाल नहीं पूछे तो राहुल की बोली, नहीं मैं वही बता रहा हूं, उनसे कोई पूछे तो भाजपा अंजना जी, मैं उनके बात का जवाब भी दे रहा हूं, रफाल में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था वो भी इनको मालूम है, और स्पष्ट रूप से कोई भी आरोप अगर हिम्मत था कांग्रेस के पार्टी के नेताओं में तो वो जाते न्यायालय में पूरे एविडेंस के साथ और इस विषय को रखते। संसद भवन में जब मोदी जी ने और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने जवाब दिया तो राहुल गांधी जी को मैदान छोड़ के संसद से बाहर जाना पड़ा था, ये बात आपको ध्यान में रहना चाहिए। और यही मैं बता रहा हूँ, निर्मला सीतारमण जी का पूरा विषय अगर आपने नहीं सुना होता तो निश्चित रूप से रफाल पे आज आप सवाल नहीं किए होते। अगला, महिला के सम्मान में और आज तक मैदान में रामपुर में जो आजम खान द्वारा महिलाओं के प्रति जो गलत टिप्पणी की गई है, या क्या शर्मनाक नहीं है क्या, यह महिला के अपमान नहीं हुआ है क्या, हम भारत माँ के संतान है तो यह हमें क्षोभ होता है कि नहीं, इसका जवाब मिलना चाहिए। और इसका एसपी का कोई है नहीं यहाँ पे, इसलिए आपका सवाल थोड़ा सा यहाँ के लिए गलत हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ हमारे नेता जी से कि सर एक मिले लेना चाहिए आप, क्या आप बोल नहीं, बोल नहीं, अगर आप जवाब देने को तैयार हैं आरजेडी की तरफ से, मुझे पता है कि आपके एराना है, इनका एराना है, इनके एराना इसलिए, इनका एराना इसलिए हम जवाब दे रहे हैं, जवाब इसलिए दे रहे हैं कि आजम खान ने अगर महिलाओं के सम्मान महिलाओं के प्रति बोला है मैं समर्थन नहीं करता, लेकिन इनके चौबे जी ने बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोला,
इस पर इनकी राय क्या? महिला एक तरफ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और दूसरे तरफ महिला का अपमान, घर में रहने घूंघट में रहने की नसीहत, ये दोहरा चरित्र नहीं। चरित्र एक होना चाहिए, महिलाओं का सम्मान सबको करना चाहिए, देश की आदि आबादी है। मैं आप जितने सारे नेता जी हैं, मैं आप लोगों से एक मासूम सा सवाल पूछना चाहता हूं। यार सवाल ये है कि हमारे जितने सैनिक हैं, जितने गरीब सैनिक हैं, सब जाके बॉर्डर पे लड़े और आपके बच्चे डिस्को पब अमेरिका यूएस कनाडा में जाके ऐश करें और हम जाके बॉर्डर पे लड़े और किस मुंह से हम आपको वोट दें? और आपने ये समझ क्या रखा है कि आप मतलब इंडिया की जनता को, हमारे देश की जनता, बिहार की जनता को आप बेवकूफ समझते हैं और इसी तरह हम आपको वोट देते हैं? सवाल पूछ रहे, मैं ये इन सारे नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आप ये वचन लीजिए कि आपका बेटा भी बॉर्डर पे जाएगा और जिस तरह से हमारे जवान, हमारे मासूम बेचारे भाई लोग शहीद होते हैं, आपका भी बेटा शहीद हो, चारों मिलके साथ में आप लोग खाना खाएंगे, पार्टी करेंगे और जनता को, हमारे लड़ाते इन मासूम जनताओं को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाते रहते हैं और हमें इस बात का काफी दुख और अफसोस है। जवाब दीजिए मेरी बातों का। आप ही उठाइए सर माइक, कौन उठाएगा? मैं जवाब दे देता हूँ अंजना जी, अंजना जी, अंजना जी, मैं जवाब देता हूँ। देश का सैनिक हमारा स्वाभिमान है और राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि। अरे आप जहाँ हो ना, मैं जानता हूँ आपको, आपके घर में एक सिपाही नहीं है, मैं जानता हूँ। अरे अरे मेरा भाई मरा है, आपको यकीन नहीं है तो आप चलिए, मेरा अपना भाई मरा है। अरे आप रुको ना, या रुको मरने, मेरा छे भाई है। सुनो, अरे सुनो, पहले बात सुनो, राष्ट्र सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है और राष्ट्र से समझौता नहीं, छद्म राष्ट्रवाद की बात नहीं। जिसके राष्ट्र के जब पावों में बेड़ियां पड़ी थी, जिनके पुरखे ने जाकर के फिरंगियों से जाकर के अपनी मिल्लत मिलाई थी, आज जाकर के पता करिए, जाकर के वहां मध्य प्रदेश में किनके नाम है, वो कौन लोग हैं जिनके नाम फिरंगियों से मिलने का है, आज भी ठीक है। अगला सवाल लेते हैं, अगला सवाल। हाँ, ये अभी कांग्रेस के नेता हमारे राजेश राठौर भाई सब कह रहे हैं, मेरा नाम चंदन सिंह भारद्वाज हुआ, ये नवजोत सिंह सिद्धू के द्वारा ये राहुल गांधी और कांग्रेस के जितने भी पॉलिटिशियन स्टंटबाज कर रहे हैं और ये धर्म के नाम पर मुस्लिम और जो भी हमारे भाई हैं देश में विद्वेष फैलाने के कारण 60 साल से इन्होंने यही किया, लोगों में दंगा फैलाने वाला बात किया। आज ये राहुल गांधी से प्रेरित होकर और सोनिया गांधी से प्रेरित होकर ये सवाल क्या है आपका? और ये क्यों ये इसको काट रहे हैं कि ये हमने नहीं कहा? इन पे इनका क्या कहना है? सिद्धू से बुलवाते हैं, पाकिस्तान पे भी बुलवाते हैं और ये पाकिस्तान जाते हैं और इनको काट। बैठिए। बहुत अच्छा सवाल है आपका, आधे घंटे से आपका सुन रहे हैं, जय श्री राम का आप नारा लगा रहे हैं, आप कौन है इससे स्पष्ट होता है? जय श्री राम का नारा लगाना, ये आप देख लीजिए, यही समझ में आता है, यही समझ में आता है। ये कैसी बात है? नहीं नहीं, ये कैसी बात है? के लोगों को रात में भी राम के नाम से मैं भी बोलता हूँ जय श्री राम, यही है कांग्रेस के चरित्र। भारत उससे देश नहीं चला, जो राम का न है वो इंडिया नहीं है। जय श्री राम। अंजना जी, राठौर जी, अंजना जी, अंजना जी, राहुल जी सुनेंगे तो बड़े नाराज हो जाएंगे। अंजना जी आजकल वो भी भक्ति में लीन है। अंजना जी कह रहे जय श्री राम कहने वाला भाजपा ही है। अंजना जी ये खुद इन्होंने कहा है कि जब जो आता है। अंजना जी, राठौर जी ने ये कह दिया कि रात के और दिन में भी इनको राम के नाम से डर लग रहा है। आप ही ने कहा ना जय श्री राम कह रहे थे इसलिए। मैम एक युवा होने के नाते मेरा सवाल है, ये खुद भारत सरकार के आंकड़े हैं कि आपके यहाँ 1 करोड़ सरकारी पद खाली हैं, तो आप चुनाव में बिना वजह के मुद्दों को उठाए, आप ये बताइए ना आप इनको सुधारने के लिए क्या करेंगे, नौकरियों के लिए क्या कीजिएगा? अंजना जी मैं इनको बता देना चाहता हूँ, मैं इनको बता देना चाहता हूँ, ये पता नहीं कहाँ से आंकड़े लाए हैं, लेकिन राहुल गांधी के आंकड़े कह रहे हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र में कि 24 लाख सरकारी नौकरियां खाली हैं जिसको वो 31 मार्च 2020 तक बढ़ेंगे अगर सत्ता में आ गए, तो 1 करोड़ का फिगर आप कहां से लाएं ये पता नहीं। लेकिन एक बात तो सुन लीजिए, नौकरी जितनी हो सकती है सरकार अपने तरफ से देखती है। इस सरकार का जोर रहा है स्वरोजगार पर, चाहे वो बिहार की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। आज मुद्रा लोन के तहत 13,000 करोड़ ऐसे ऐसे लोगों में लोन बटे हैं जिनको कोई गारंटी या कोलैटरल की जरूरत नहीं है। ले लिया है बीजेपी से, नहीं लिया हमने, दिया संगति है और फंड तैयार किया है। अभी हाल ही में संगति हुई है पलटी मार के इनका ऋण दे रहे हैं जिससे 5 लाख लोग योजनाओं की बात नहीं करेंगे क्या? हमारा काम बोल रहा है इसीलिए जनता बोल रही है।
अब बाकी लोग गोल गोल बातें कर रहे हैं, इनसे कोई सवाल पूछेगा कहेंगे संविधान खतरे में। मेरा सवाल जेडीयू से है। मैं सर जब बचपन छोटा था तब से सुनते आ रहा हूँ कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा, विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। आप आज अब दो साल से मेजोरिटी पार्टी के साथ है, ये भी सिर्फ जुमला था क्या कि हमको कम मिलेगा विशेष राज्य का? बिल्कुल कोई जुमला नहीं था। मैं ये बता देता हूँ आपको कि जब से नीति आयोग बना, नीति आयोग ने विशेष राज्य का प्रावधान ही खत्म कर दिया। आज हम केंद्र सरकार को यही बोल रहे हैं कि इस प्रावधान को दोबारा से मूर्त रूप में लाया जाए, और उम्मीद है कि ये प्रावधान दोबारा से मूर्त रूप में आ जाएगा जल्दी से। जल्दी है कि विशेष राज्य के दर्जे के सवाल पर इन्होंने कितने दस्तावेज भारत सरकार को भेजा, और उन्होंने कहा कि जो हमको समर्थन करेगा हम उसी को समर्थन करेंगे। विशेष राज्य की सरकार थी, यूपीए सरकार थी, क्यों नहीं दे दिया दर्जे के सारे? यूपीए सरकार का जब पहली बार बिहार से पास हो गया सरकार दिल्ली में बैठे हुए क्यों नहीं? उस दिन आप घड़ियाली आंसू रो रहे हैं। 2004 में इकोनॉमिक बूम होने के कारण दुनिया क्यों रो रहा है? दुनिया में जो विकास हुआ उसमें 2000 का योगदान क्या है? 2009 में जब पास हुआ आपकी सरकार थी वहां पे योगदान क्या है? कांग्रेस के नेताजी से सवाल है कि जब राहुल गांधी जी जनेऊ पहने थे तो उस समय क्या जनेऊ पहनते समय ओम भूर्भुवः स्वः तो जय श्री राम का नारा लगाया तो वो नहीं? आपका स्कूल बन जाएगा, अस्पताल बन जाएगा, 55 साल में क्यों नहीं? कैसा सवाल है? थोड़ा सवाल सोचिए कि बेहतर स्थिति देश की हो इसलिए सवाल पूछ। मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता से है कि बिहार में सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम का दिक्कत हो रहा है, जैसे कि हम ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है, वो ग्रेजुएशन 3 साल का कोर्स है और यहाँ पे 5 साल लगते हैं। आखिर ऐसा कब तक बिहार में एजुकेशन सिस्टम पे भ्रष्टाचारी चलता रहेगा? देखिए जो सबसे बड़ी बात जिन्होंने शिक्षा की व्यवस्था की बात की, आज पिछले 10-12 सालों में जिस प्रकार से प्राइमरी एजुकेशन से मिडिल एजुकेशन तक बिहार की सरकार और नीतीश कुमार की सरकार ने काम किया, थाली तो आपके राज में चरवाहा विद्यालय आप ही के राज में खुला था, और उस चरवाहा विद्यालय से आप शिक्षा के लिए आज जो ड्रॉप आउट रेट थे बिहार सरकार के नीतीश कुमार सरकार में कम है। कॉमन स्कूल सिस्टम आप चरवाहा विद्यालय नहीं चलवाया था तो चरवाहा विद्यालय किसने चलवाया था? बिहार के पलायन के लिए मजबूर किसने किया? बिहार के छात्रों को आरजेडी और कांग्रेस से कि जो बोलते सिद्धू जी बोले कि जो मुस्लिम जो समुदाय है उनको लेके उनको या क्या हिंदू के वोट से उनको मतलब नहीं है तो क्यों ये राहुल गांधी क्यों जाते हैं मंदिर, क्यों ये बात बोलते हैं? आपके इसी सवाल के साथ आज के कार्यक्रम का अंत करते हैं, लेकिन आपको बता दें कि भारत का सबसे बड़ा लोकसभा चुनाव 7 चरणों में 543 सीटों पर होने वाला है, और ये हम वोटर्स हैं जो अपने अधिकार राइट टू चूज का इस्तेमाल करके देश की सरकार पर सत्ता पर लोगों को काबिज करते हैं। अपने इस राइट का जरूर इस्तेमाल करें, मतदान करें, और तमाम खबरों के लिए aajtak.in पर आप जुड़े रहें, क्योंकि इस देश के युवा ही एक्टिव यूजर्स हैं और ये इस देश के लिए महत्वपूर्ण है। कल हम पहुंचेंगे हाजीपुर और बिहार की जनता दागेगी सवाल। देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।